Now let's start dialysis. Dialysis is a technique in which we can filter the blood by an artificial method. ठीक है, जो किडनी है वो तो एक नेचुरल ऑर्गन हमारे पास है जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, लेकिन जब किडनी फेलियर होता है तो फिर ये किडनीज जो हैं ये अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते. इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें फिर एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर ऑप्ट करना पड़ता है जिसको हम नाम देते हैं डायलिसिस. डायलिसिस जो है एक आर्टिफिशियल मेथड है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड को फिल्टर करने का एक आर्टिफिशियल मेथड है. आपकी किडनी नहीं काम कर रहे तो यू नीड टू गो फॉर ब्लड फिल्ट्रेशन. तो जो ब्लड की फिल्ट्रेशन की टेक्निक है उसको फिर हम डायलिसिस का नाम देते हैं. अब डायलिसिस हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. एक को हम बोलते हैं हीमो डायलिसिस, और जो दूसरा मेथड है उसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस. तो ये दो हमारे पास बुनियादी तौर पर मेथड्स यूज़ होते हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस. पहले हम डिस्कस करते हैं हीमोडायलिसिस को. हीमोडायलिसिस का जो नाम है उससे क्लियर हो रहा है कि इसमें ब्लड की कोई इन्वॉल्वेशन है. हीमो इज रिलेटेड टू द ब्लड. इसमें हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम एक्सटर्नल फिल्टर या डायलाइजर कहते हैं. बॉडी का जो ब्लड है वो उस मशीन में जाता है, डायलाइजर में जाता है, वहाँ पर उसकी डायलिसिस होती है और फिर दोबारा फिल्टर होने के बाद जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो उसके बाद ब्लड दोबारा बॉडी में इंट्रोड्यूस बैक किया जाता है, ट्रांसफ्यूज बैक किया जाता है. अगर हम इसको देखें तो सपोज ये जो है मोस्टली हम लोग इसमें आर्म्स बाजू जो होते हैं यहाँ से हम ब्लड को जो है वो एक रास्ता बनाते हैं एक ट्यूब के थ्रू जिसको हम कैथेटर कहते हैं, कि वो ब्लड जो है वो निकल के बॉडी से वो उस मशीन की तरफ मूव करे. सो यहाँ पर मैं आर्टरी, दिस इज़ द आर्टरी और ये जो है वेन ड्रॉ कर रहा हूँ. तो हम आर्टरी से ब्लड जो है वो निकालते हैं बाय इंसर्टिंग अ कैथेटर. एक कैथेटर कनेक्ट करते हैं, दिस इज़ दैट कैथेटर जिसके साथ पंप लगा होता है, ब्लड पंप. अब ब्लड यहाँ से आर्टरी से ब्लड निकलता है और पंप के थ्रू ये जो ब्लड है ये उस एक्सटर्नल फिल्टर यानी डायलाइजर की तरफ जाता है. दैट इज़ द सपोज मशीन. ये हमारे पास डायलाइजर है. डायलाइजर इसमें ब्लड जो है थ्रू टॉप एंटर होता है. इस डायलाइजर के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनमें सेलोफेन की बनी हुई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं. यहाँ पे हियर वी हैव मैनी ट्यूब्स. ये ट्यूब्स हैं इस डायलाइजर में. ये जो ब्लड होता है ये इन ट्यूब्स के अंदर चला जाता है लाइक दिस. लेट्स से मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ. ये रास्ता है ब्लड का, ये पाथ है, ब्लड इन ट्यूब्स में से गुजरता है. अब ब्लड जो है वो इस डायलाइजर की टॉप से इंटर होता है और एट द सेम टाइम हम फ्लूइड इंटर करते हैं, डायलिसिस फ्लूइड, जिसको हम नाम देते हैं डायलिसेट. दैट इज एक्चुअली डायलिसिस फ्लूइड. ये जो फ्लूइड होता है ये ब्लड की ऑपोजिट वे में मूव करता हुआ जाता है और ये जो है ये इसकी टॉप से बाहर निकलता है. अब ब्लड जब फिल्टर हो जाता है तो फिल्टर्ड ब्लड जो है, दिस इज़ द फिल्टर्ड ब्लड, वो इस मशीन यानी डायलाइजर की बॉटम से निकलता है और ये फिल्टर्ड ब्लड जो है ये दोबारा एक सेकंड कैथेटर के थ्रू, ये जो ब्लड है फिल्टर्ड ब्लड ये एक सेकंड कैथेटर के थ्रू वेन में इंट्रोड्यूस किया जाता है. नाउ दिस इज़ द फिल्टर्ड ब्लड और यहाँ पे था अनफिल्टर्ड ब्लड. यहाँ से हमने
डेसिलेट को इंट्रोड्यूस किया था बॉटम से, और यहाँ से दिस डेसिलेट डायलसेट फ्लूइड विद वेस्ट्स निकाल लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने अनफिल्टर्ड ब्लड जो है वो इंट्रोड्यूस किया डायलाइजर में टॉप से, यहाँ पर उसकी फिल्ट्रेशन हुई, और जब ब्लड फिल्टर हो गया तो वो फिर इसके बॉटम से हमने उसको ट्रांसफ्यूज बैक किया इनटू द वेन, वेन्स में उसको ट्रांसफ्यूज बैक किया, क्योंकि किडनी में भी यही प्रिंसिपल फॉलो होता है कि आर्टरी जो है वो ब्लड को फिल्टर करने के लिए किडनी की तरफ लाती है, और फिर जब ब्लड में फिल्ट्रेशन हो जाती है तो फिर फिल्टर्ड ब्लड जो है वो किडनी से वेन में कलेक्ट होके जाता है, और फिर हमारी मेन वेन से हार्ट, और फिर हार्ट के थ्रू ऑक्सीजनेट होने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो डायलाइज्ड होता है, उसकी फिल्ट्रेशन होती है, और उस टेक्निक को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। इस टेक्निक को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक है दैट इज़ द पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट टेक्निक इज पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये रिलेटेड है विद अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। पेरिटोनियम हमारी एब्डोमिनल कैविटी में एक मेम्ब्रेन है, उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम, और इस प्रोसीजर में चूँकि पेरिटोनियम जो है वो रोल प्ले करती है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, इसलिए इस टेक्निक को हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे हम पेरिटोनियम बनाते हैं। दिस इज़ दैट पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम है, ये पेरिटोनियम है। बाय सर्जिकल टेक्निक, सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू, एक सर्जरी के तरीके से हम इसमें टू कैथेटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। पेरिटोनियम में दो कैथेटर जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और फिर एक कैथेटर से जो डायलिसिस फ्लूइड है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वो फ्लूइड यहाँ पे पोर किया जाता है। यहाँ पर जब फ्लूइड आ जाता है तो जो पेरिटोनियम है, फॉर एग्जांपल ये पेरिटोनियल लाइनिंग है, दिस इज़ द पेरिटोनियम, एक मेम्ब्रेन है, इसमें ब्लड की वेसल्स का नेटवर्क होता है, कैपिलरीज, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज ऑफ पेरिटोनियम, और यहाँ पे वो फ्लूइड है जो कि डायलिसिस फ्लूइड है। इस फ्लूइड में से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो चीज़ें बॉडी को ज़रूरत होंगी, दैट विल बी डिफ्यूज इनटू द ब्लड। ये न्यूट्रिएंट्स हैं, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एट्सेट्रा, और जो वेस्ट होगा दैट विल मटीरियल लाइक यूरिया एट्सेट्रा अदर वेस्ट्स, वो इस फ्लूइड में आ जाएंगे। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ऑल दैट, और फिर आफ्टर सर्टन टाइम इसको क्लोज करके इसको ओपन कर दिया जाता है, और पूरे का पूरा जो फ्लूइड है दैट इज यूज्ड आउट वो बॉडी से निकाल दिया जाता है। इन कैथेटर्स को हम पोर्टल्स का नाम भी देते हैं, पोर्टल्स, क्योंकि ये एक एंट्री बनाते हैं इनटू द पेरिटोनियम। अब यहाँ पर यू कैन सी दैट कि ब्लड को हमने बाहर नहीं निकाला, बल्कि हमने बॉडी में डायलिसिस फ्लूइड इंट्रोड्यूस किया, बॉडी के अंदर हमने ये फ्लूइड इंट्रोड्यूस किया। फिल्ट्रेशन होने के कुछ टाइम के बाद, 1 or 2 hours जितने भी टाइम है, उसके बाद इस फ्लूइड को हम निकाल लेते हैं। जब ये फ्लूइड इंटर होता है तो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं, और जब ये निकलता है तो इसमें वेस्ट्स होते हैं। यूं हम विद इन द पेरिटोनियम बॉडी के अंदर ही अपने ब्लड को फिल्टर कर लेते हैं। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस।